हेलो प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स क्लास 10 चैप्टर 2, राइट। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्होज जीरोस आर 2n-6। जैसा अभी रिसेंटली मैंने क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस गिवन है तो उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो वन मोर क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी सॉल्व करता हूं, राइट। लेट जीरोस आर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -6। मैं दोनों जीरोस को अल्फा और बीटा कंसीडर कर लेता हूं, राइट। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। आपको जीरोस का सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। यहां पे आपके पास दो जीरोस हैं तो आप क्विकली समझ गए कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो यहां पे तीन जीरोस गिवन मिलेंगे, अंडरस्टैंड। सो हमें अब क्या चाहिए, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए। तो जीरोस आपके पास हैं, आप सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 6। ध्यान रखिएगा, सेकंड वन जीरो इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इन ब्रैकेट, ओके। सो इट बिकम -4। सो वैल्यू ऑफ एस इज, वैल्यू ऑफ एस आ गया आपके पास -4 नेगेटिव, ओके। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज p, दैट इज अल्फा इनटू p, कीप p इन ब्रैकेट, यहां पे लिख सकते हैं हम, नॉट अ प्रॉब्लम। अल्फा इनटू बीटा दैट इज 2 इनटू -6 इज इक्वल टू -12, राइट। अब दोनों वैल्यूज को, दिस वन वैल्यू और दिस वन वैल्यूज, s और p की जगह पुट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस एस एक्स व्हाट इज s -4, तो यहां पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, -4 पुट कर दूंगा, राइट। x स्क्वायर एंड x विल रिमेन सेम बिकॉज दैट इज द वेरिएबल, -12, वैल्यू ऑफ p इज -12, राइट। सो इट बिकम x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस -12। तो ये है दोस्तों आपका पॉलिनोमियल, उसको आप px और qx कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस ये दोनों होंगे। अब आप इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, राइट, एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोस, राइट। सो सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, -4। अब देखिए -4 आपके पास कैसे आएगा, राइट, इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं ऐसा, जरा चेक करिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4, राइट। तो यहां आप अंदर 4 पुट करेंगे, बिकम -4 डिवाइडेड बाय 1, तो -4 ही आंसर आएगा आपके पास, राइट। दिस इज द रिलेशनशिप एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -12, जो आपने पहले फाइंड आउट किया है वही यूज कर लीजिए, -12, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इन दोनों में कॉमन क्या होता है आपका, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों में डिनोमिनेटर में होता है, कॉमन होता है, राइट। बट इज द कॉन्स्टेंट टर्म -12, यहां माइनस नहीं है मेरे पास, राइट, दिस इज सी बाई ए ओनली, सो दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म इज -12 बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, -12 by 1 become -12. So this is verification done, right? So this type of question you can solve easily.
अब इसको आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, बस याद कर लीजिए इसको, ये अच्छे से लर्न कर लीजिए आप, राइट? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वेरी सून, थैंक यू।